1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ब्रिटिश सरकार उसको दबा देती है, उसका दमन कर देती है। तो इसके बाद क्या होता है, भारत में जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, भाई भारत में पूरा एक तरह से कुछ नहीं, आंदोलन वगैरह जो हुआ था सब रुका हुआ था, तो जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने के लिए CR फार्मूला अस्तित्व में आता है। कौन सा फार्मूला? CR फार्मूला अस्तित्व में आता है। तो इस फॉर्मूले को चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने तैयार किया था, इसी वजह से इसे CR फार्मूला बोला जाता है। किसने? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने। देखिए, सी चक्रवर्ती और आर राजा गोपालचारी, तो उन्हीं के नाम पे इसे CR फार्मूला बोला जाता है। तो इस फॉर्मूले में जो बातें कही गई थी उसमें ये था कि मुस्लिम लीग के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया जाए, मतलब भारत की स्वतंत्रता की जो मांग है उसको मुस्लिम लीग उसका समर्थन करे, और जब स्वतंत्रता मिल जाए भारत को, जब भारत आज़ाद हो जाए, तो उसके बाद एक आयोग का गठन किया जाए जो कि भारत के उत्तर पश्चिम, जो भारत का उत्तर पश्चिम भाग है वो, और जो उत्तर पूर्व का, उत्तर पश्चिम उधर पाकिस्तान और इधर का जो क्षेत्र उत्तर पूर्व का, वहाँ पे जो मुस्लिम लोगों की जो अधिकता है, मतलब मुस्लिम लोगों की अधिकता है, तो उनका जो बॉर्डर है उनके बॉर्डर को कैलकुलेट किया जाए, मतलब उनके बॉर्डर का जो क्षेत्र है, उनका जो क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं उसके क्षेत्र को डिसाइड किया जाए। तो उसके बाद उन जो लोगों की वोटिंग कराई जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, फिर जो पाकिस्तान में रहना चाहते हो पाकिस्तान में रहे, जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में, मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद एक आयोग का गठन किया जाए जिसे भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व में जो मुस्लिम की अधिकता है वहाँ पे बॉर्डर को कैलकुलेट किया जाए, मीन्स वहाँ का जो क्षेत्र वो डिसाइड किया जाए, और उसके बाद वोटिंग कराया जाए, मतलब जनमत संग्रह कराया जाए, तो जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहे वो पाकिस्तान में रहें, और जो लोग इंडिया में रहना चाहे वो इंडिया में रहें। तो यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पाकिस्तान शब्द जो है वो सबसे पहले उसका प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले इसका नाम किसने लिया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, चौधरी रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। और तो ये जो फॉर्मूला होता है इसे मोहम्मद अली जिन्ना स्वीकार नहीं करते हैं, वो इस फॉर्मूले को इनकार कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि ये जो फॉर्मूला है, ये उनका कहना था कि जो फॉर्मूला है इसमें लुंज पुंज और भूसा जैसा पाकिस्तान दिया गया है, लुंज पुंज और भूसा जैसा पाकिस्तान दिया गया है, इसमें गाड़ी को घोड़े से पहले लगाया गया है, गाड़ी को घोड़े से पहले लगाया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो होती है पूछ ली जाती है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की थी। तो ये इस एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ कांग्रेस जो है वो पहले क्या चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी कि पहले हमारा देश जो आज़ाद हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि वो सबसे पहले ये चाहती थी कि हम लोग अलग हो जाए, मतलब भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाए, एक राष्ट्र पाकिस्तान बने, एक भारत, मतलब मुस्लिम और हिंदू अलग हो जाए। तो कहने का मतलब कांग्रेस पहले आज़ादी चाहती थी, और वही दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग थी वो पहले विभाजन चाहती थी और उसके बाद वो आज़ादी चाहती थी। इसके बाद जो होता है देसाई लियाकत पैक्ट आता है, मतलब देसाई लियाकत समझौता, जो कि अप्रैल 1945 का था, पहले जुलाई 1940 क्रम होना चाहिए, पहले 1942 का उधर क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद जो यहाँ पे फिर कौन सा पड़ा, CR फॉर्मूला, जो कि जुलाई 1944 का, 10 जुलाई 1944 का है, फिर उसके बाद अब 45 में पहुँचते हैं, तो अप्रैल 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट होता है, देसाई लियाकत समझौता होता है। तो ये जो देसाई लियाकत समझौता, ये क्या था, जो भूलाभाई देसाई थे ये कौन थे, केंद्रीय विधान परिषद में कांग्रेस के नेता थे, केंद्रीय विधान परिषद में थे जो कांग्रेस के नेता थे, और लियाकत अली जो मुस्लिम लीग की तरफ से थे, तो केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम लीग के उपनेता थे, इन दोनों के बीच अप्रैल 1945 में एक समझौता होता है। तो इसी वजह से वो देसाई और ये लियाकत, तो देसाई लियाकत समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। तो कब होता है, 1945 को होता है, CR फॉर्मूला की बात करें 1944 की थी। तो इस ये जो समझौता होता है इसके अनुसार क्या था, केंद्र में जिस एक अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी, इस जो ये समझौता हुआ था उसमें केंद्र में जिस एक अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे, ये बात बोली गई थी, कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे, और जिसमें अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि भी होंगे और कमांडर इन चीफ भी कुछ सदस्य होंगे, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि और कमांडर इन चीफ के
कुछ सदस्य भी होंगे, तो अल्पसंख्यक के जो प्रतिनिधि की बात की गई थी उसमें 20% उनके स्थानों को सुरक्षित रखा गया था, अल्पसंख्यक के लिए 20% के स्थानों को सुरक्षित रखा गया था। तो मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग के जो बराबर 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 प्रतिनिधि की बात की गई थी, अल्पसंख्यकों के लिए 20% स्थान सुरक्षित रखा गया था, कमांडर इन चीफ को भी कुछ सदस्य होंगे ऐसी बात कही गई थी, इसे भी मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह सीआर फॉर्मूले को भी मुस्लिम लीग ने नहीं माना था और देसाई लियाकत पैक्ट जो हुआ था उसे भी मुस्लिम लीग ने नहीं माना था। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट होगा तो उसमें वेवल योजना, फिर शिमला सम्मेलन, ये सब होगा। अब देखिए ये जो आज का था ये भी एक तरीके से ये हिस्ट्री का चैप्टर था, ये पॉलिटी का नहीं था, लेकिन एक ऑर्डर से पढ़ रहे हैं और ये तो इस वजह से इसको भी ले लिया, ऐसे धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा।